बाद अब दूसरे चरण की बारी है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार जारी है, बयान और उस पर पलटवार का सिलसिला जारी है, जनता से वोट की अपील की जा रही है। दूसरे चरण का रण भी भीषण होने वाला है। तो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें होशंगाबाद है, दमोह है, खजुराहो है, सतना है, रीवा है, टीकमगढ़ है, इन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। नेताजी की साख भी दांव पर है। अब सवाल ये आता है कि धुआंधार प्रचार जारी है लेकिन कौन कितना दमदार और किसका पलड़ा भारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। दूसरे चरण की हर सीट का विश्लेषण करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहले बात दूसरे चरण की जो हाई प्रोफाइल सीट है, होशंगाबाद लोकसभा सीट, यहां से बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने संजय शर्मा पर दांव लगाया है। नरसिंहपुर से ताल्लुक रखते हैं संजय शर्मा और होशंगाबाद की हिस्ट्री क्या रही है पहले वो भी हम आपको बता रहे हैं। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा ये जनादेश बताएगा, लेकिन उससे पहले बीते लोकसभा चुनाव में किस तरह की स्थितियां रही हैं वो जरा तेजी से आप देख लीजिए। अब अगर बात कर ली जाए 2009 की, कांग्रेस यहां पर जीती थी लेकिन तब जो राव उदय प्रताप सिंह है वो कांग्रेस में हुआ करते थे, 2009 की बात कर ली जाए। इसके बाद 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। वो प्रत्याशी कौन थे? वो थे उदय प्रताप जो बाद में कांग्रेस छोड़कर चले गए, बीजेपी में चले गए। 2014 की बात कर ली जाए, उदय प्रताप सिंह जीते हैं, देवेंद्र पटेल हारे हैं। वोट शेयर 64% 27% जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा, करीब करीब जिसको हम बोलते हैं 4.25 लाख, ये मार्जिन था जीत का। और 2019 में ये और ज्यादा बढ़ गया। एक और खास बात, 2019 में जो टॉप 10 पूरे देश में जीत के मार्जिन थे उसमें 10वें नंबर पर रहे कौन? उदय प्रताप सिंह। 5,53,000 से ज्यादा वोट इन्हें मिले थे और यह रिकॉर्ड था। 10वें नंबर पर पूरे देश में 10वें नंबर पर राव उदय प्रताप सिंह रहे। अब हालांकि वो सरकार में मंत्री हैं और इस बार स्थितियां अलग हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे भी ये जो आंकड़े हमने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, हम जो आपको आंकड़े बता रहे थे उसे लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हर सीट को इसी तरह से आपको हिस्ट्री बताएंगे और हिस्ट्री के बाद मेहमानों से पूछेंगे कि अब सिनेरियो बन क्या रहा है। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सरमन नगेले साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा इस चर्चा को अब उन्हीं के पास लिए चलते हैं, उनसे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले होशंगाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं और होशंगाबाद में किस तरह की स्थितियां रही हैं वो भी हमने आपको बताया। होशंगाबाद से इस बार मैदान में कौन है वो भी आपने देखा, संजय शर्मा को मौका दिया गया है। संजय शर्मा जो है वो ताल्लुक रखते हैं कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक खास बात कि अगर आप संजय शर्मा को नरसिंहपुर में जाकर या उस एरिया में जाकर देखेंगे तो उनके हर किसी से अच्छे संबंध हैं, कारोबारी हैं। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा बहुत स्वागत, सरमन नगेले साहब राजनीतिक विश्लेषक आपका भी बहुत बहुत स्वागत। होशंगाबाद सीट को लेकर सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश शर्मा साहब मेरा आपसे, पिछले बार का जो रिकॉर्ड था वो देश की टॉप 10 बड़ी विक्ट्री में 10वें नंबर पर था उदय प्रताप का। उदय प्रताप अब मंत्री बन चुके हैं, अब क्या स्थितियां और क्या नजर आता है मुद्दों के लिहाज से भी और आगे जो चुनाव होना मतलब जो वोटिंग होनी उसके लिहाज से भी? डॉक्टर शर्मा प्लीज। देखिए, राव उदय प्रताप, संजय शर्मा, देवेंद्र पटेल, ये तीन कांग्रेस के ही प्रोडक्ट थे। इनकी राजनीतिक शुरुआत एनएसवाई से हुई, वक्त के चलते कोई बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी से कांग्रेस में संजय लौट आते हैं, तो उससे पहले ही राव उदय प्रताप कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये तीनों ही लीडर एक ही एज ग्रुप के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब राव उदय प्रताप का संजय शर्मा से नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि दर्शन पटेल के साथ मुकाबला है। देखिए, ये जो सीट है इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के माफिक अगर किसी ने बनाया है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि ये वो जगह है जहां कभी अर्जुन सिंह भी इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर फॉर्मर सीएम, प्रदेश की राजनीति के, देश की राजनीति का बड़ा चेहरा,
उनको एक बीजेपी के सरदार जी ने हरा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हालांकि बाद में वो भी कांग्रेस में आए जी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय के बाद ये सीट आरएसएस और बीजेपी का गढ़ बन गई। इसीलिए कहीं ना कहीं राव उदय प्रताप की लीड कांग्रेस में आने के बाद बढ़ती गई। हालांकि आपको याद हो कि 2009 में जब चुनाव हुआ तो राव उदय प्रताप कांग्रेस के टिकट पर जीते थे जी, लेकिन 2014 से पहले उन्होंने कांग्रेस 2013 के असेंबली इलेक्शन के दौरान छोड़ दी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य संजय शर्मा ब्राह्मणत्व के आधार पर, वहां एक्चुअली वो ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट मानी जाती है, ऐसा नहीं है, होशंगाबाद सीट पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे इलेक्शन को अक्रॉस द कंट्री इवन इन होशंगाबाद नेशनल सिनेरियो पर ले जाना चाहती, यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जी। क्योंकि आपको याद हो 2014-2019 में ऐसे लोग भी थे जिनकी हैसियत एक काउंसलर बनने की नहीं थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ठीक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो यही स्थिति इस चुनाव में भी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है। देखिए दोनों के अपने अपने प्रयास हैं। कांग्रेस का प्रयास है कि किसी तरह से इलेक्शन को कैंडिडेट बेस्ड, कास्ट बेस्ड या लोकल इश्यूज बेस्ड बना दिया जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से परे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नेशनलिज्म पर, हिंदुत्व पर या यूं कहें डेवलपमेंट पर, इन इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। यानी कि लोकल इश्यूज, लोकल लीडर वर्सेस नेशनल लीडर, क्योंकि आपको याद इशू को शिफ्ट, हाँ वैसे शिफ्टिंग में इशू की हो या चेहरे की हो उसमें एक्सपर्टाइज ज्यादा बीजेपी का नजर आता है। सरमन नगेले साहब भी लगातार बने हुए, सरमन नगेले साहब होशंगाबाद सीट आपकी नजर में, आपका विश्लेषण। देखिए माननीय ललित जी, होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र चूंकि भोपाल से लगा हुआ है और भोपाल जो पूरा का पूरा रीजन है ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और चूंकि होशंगाबाद का जो कुछ हिस्सा है जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जिले से लगा हुआ है, सीहोर से, हालांकि बुधनी से लगा हुआ है, वो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है इस तरह पे, लेकिन जिला उनका सीहोर पड़ता है, तो उनका वहां पर पूरा दखल है, उनके लोग हैं। इसीलिए देखिए जो बुधनी के रहने वाले हैं विजयपाल सिंह जी, वो होशंगाबाद के सुहागपुर से विधायक है, और इस बार भी जो चौधरी दर्शन सिंह को जो टिकट दिया गया है वो एक किसान नेता है, और पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुए हैं उस किसान आंदोलनों के पीछे दर्शन सिंह जी थे, और वो जो शिव कुमार शर्मा कक्का जी जिनको कहते हैं वो बनखेड़ी के रहने वाले थे, वो भी होशंगाबाद से क्षेत्र से आता है और उन्होंने उसको लीड लिया था। ठीक, बाद में दर्शन सिंह जो है ना बीजेपी में माननीय शिवराज जी और बाकी लोगों के प्रयासों से, हालांकि वो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन के ही कार्यकर्ता थे, वो जो किसान उनका संघ है, लेकिन उस समय वो किसानों के साथ में थे, तो उनको इसलिए टिकट दिया गया है, वो इसलिए चुनाव मैदान में उतारा गया है कि एक किसान नेता के रूप में मध्य प्रदेश में उनको डेवलप किया जाए, और ये किसानों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी छवि है, जो उनका अपना कामकाज में जो उनको बीच में जो बहुत सारी दिक्कतें आई है, जो लोकसभा में उनके बिल पास हुए हैं या बाद में भी मध्य प्रदेश में किसानों के लेकर जो कर्ज माफी की बात आई है, तो वो किसी ना किसी तरह से दर्शन सिंह जी के माध्यम से उसको दूर किया जाए और एक लीडर को डेवलप किया जाए, और एक सीट अपने उनके पास तो थी, वो परंपरागत रूप से बीजेपी के पास सीट है, लेकिन वो अपने में अपने कब्जे में रहने के साथ साथ बाकी लोगों को भी साथ लिया जाए, तो इस कारण से उनको वहां पर, और साथ में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के भी वो पसंदीदा कैंडिडेट है। ये बात बिल्कुल सही है कि होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक, चूंकि वो एक धार्मिक शहर के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर जो जिसको की कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या उतनी नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे होशंगाबाद में बताया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर डोमिनेटिंग कास्ट है वो। इसीलिए देखिए कि जो होशंगाबाद के जो इटारसी से जो है ना है। कभी एक ही परिवार से लोगों को टिकट दिया गया, चाहे विद्याशंकर शर्मा की बात करें, सीतासरण शर्मा की बात करें या उनके परिवार की बात करें, कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति, तो ये सारी चीजें वहां पर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी चल रहा है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी चल रही है,
और जो एक नैरेटिव सेट किया गया 370 का और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हाँ। हुआ है 22 जनवरी को उसके बाद से इन सारी चीजों को देखते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि होशंगाबाद बीजेपी जीतेगी। चलिए होशंगाबाद में बीजेपी मजबूत नजर आती है और आप दोनों बने रहिएगा। अब दमोह को लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दमोह लोकसभा सीट, पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे। दमोह लोकसभा सीट से लोधी वर्सेस लोधी है, दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी ने राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी हैं। कहा जाता है कि दोनों, जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त ही हैं दोनों और अब राजनीतिक तौर पर आमने सामने हैं क्योंकि राहुल लोधी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल लोधी को कामयाबी मिल नहीं पाई। दमोह में एक फैक्टर और है, जब आप दमोह का जिक्र करें तो आप मलैया परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद, पिछली बार मतलब उपचुनाव हारने के बाद, आरोप भी राहुल लोधी ने लगाए थे कि मलैया परिवार ने हरा दिया। बाद में आजकल दोनों एक साथ कैंपेनिंग करते नजर आते हैं। राजनीति के अखाड़े में एक दोस्त एक दूसरे के सामने, चुनावों की बात कर ली जाए, बीजेपी का यहां वर्चस्व रहा है। बीते तीन चुनाव की हम बात करेंगे। कांग्रेस जीत के इरादे से मैदान में है। अब ये क्या स्थितियां हैं ये देख लीजिए। 2009 की स्थिति, जीत का मार्जिन 70,000 से ज्यादा, शिवराज सिंह लोधी यहां से जीते। और 2014 की बात कर ली जाए, प्रहलाद पटेल, ये भी एक बात है, एक प्रहलाद पटेल, इनका भी एक दबदबा है यहां पर, इससे भी देखना पड़ता है। 2014 बीजेपी की जीत, 2,00,000 से ज्यादा का मार्जिन। 2009 2014 और अब 19 के आंकड़े, जीत का मार्जिन बढ़ रहा है। आप इस बात पर बहुत ध्यान रखें, जीत का मार्जिन लगातार बढ़ा है। और लगातार जो खास मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा बने हुए हैं, शर्मा नगेले साहब बने हुए हैं। नगेले सर, इस बार शुरुआत आपसे करते हैं, दमोह को लेकर क्या कुछ नजर आता है? दो दोस्त हैं आमने सामने हैं, एक दोस्त ने आंसू बहाकर अपने आप को वायरल करवाया, एक दोस्त ने गजराज की उपासना कर दी, मतलब हाथी को सहलाकर अपने आप को वायरलत्व प्राप्त करवाया, इन सब के बीच आप कैसे देख रहे हैं दमोह को? ललित जी, पहले मेरे एक बहुत ही विनम्र आग्रह है कि जो चंद्रभान सिंह जी की फोटो जो आपके विंडो में चल रही है हाँ। वो चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा के हैं और जो चंद्रभान सिंह कांग्रेस के थे वो दमोह के हैं। सर, मैंने उसे देखा, चंद्रभान को मैंने देख लिया था। मैं चूंकि बहुत चीजों पर बारीकी नजर रखता हूँ लंबे समय से, इसलिए दूसरे देखिए, जो आपने होशंगाबाद की दमोह की बात की है, देखिए दमोह में एक नाम जो छूट रहा है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो है डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। लंबे समय तक वहां से सांसद रहे हैं और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी का वहां पर बहुत दबदबा है, बहुत वर्चस्व है। और हालांकि लोधियों का भी है, लेकिन लोधियों की तुलना में रामकृष्ण कुसमरिया की जो कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं उनकी वहां पर अच्छी खासी संख्या है। लेकिन इस चुनाव में क्या, देखिए मध्य प्रदेश में एक ऐसा एक वातावरण बन गया और एक ऐसी तैयारी और ऐसा एक बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है, जैसे मैंने राम कुसमरिया का बताया, वो कभी मतलब इतने लंबे समय से चुनाव जीतते रहे और लाखों में चुनाव जीतते रहे, वो तो वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। अब उसमें प्रहलाद पटेल भी वहां से चुनाव जीत गए, एक बार जरूर चंद्रभान सिंह जीते, तो कोई भी वहां से चुनाव लड़े जीत जाता है और बहुत बहुत सहज और बहुत आसान सीट है वो जीतने के लिए बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा वहां मुश्किल का दौर इसलिए भी चल रहा है कि राहुल ने छोड़ दिया है, अब तरवर सिंह चुनाव में है तो तरवर सिंह कितना अपना अपना कमाल दिखा पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज और है, देखिए लोधी जो संख्या है उसमें प्रहलाद पटेल की भी भूमिका वहां पर है, हालांकि प्रहलाद पटेल रहने वाले नरसिंहपुर के हैं लेकिन वो वहां पर उनका भी अपना दखल है। और लोधियों का दखल ना केवल दमोह, पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल और उमा भारती जी का है और प्रहलाद पटेल का खासकर आसपास के क्षेत्रों में है, तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जी जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, हम लोग चूंकि समाज के उस तबके से हैं, चाहे आप कह लें, सरमन सर कह लें, हम कह लें, बहुत सारे लोग हार जीत को देखते हैं, पर हम लोग उस हार जीत के पीछे उस मार्जिन को, उस फर्क को, वोट परसेंटेज को, बहुत सारी चीजों को सोचकर और आगे के लिए भी अपने एनालिसिस को हमेशा तैयार रखते हैं। समझना मैं आपसे ये चाह रहा हूं, बहुत सारी ऐसी फाइट हैं या मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हम कह रहे हैं कि इस बार टाइट फाइट है,
दमोह अभी न्यूज जो हमारी चुनावी एक्सप्रेस है वो उसने दमोह का भी दौरा किया। देखिए नाराजगी है, आप विपक्ष के तौर पर उस नाराजगी को वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे, वो एक अलग चीज हो सकती है, पर नाराजगी हर जगह है। इन सब के बीच दमोह की स्थितियां, डॉक्टर शर्मा। देखिए दमोह कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, मोस्टली वहां पर कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाए तो जो जीत दर्ज की है वो लोधी कम्युनिटी के लोग ने की है। कहने का तात्पर्य है कि लोधी कम्युनिटी के दो बड़े फिगर्स, पॉलिटिकल फिगर, चाहे उमा भारती रही हूं या प्रहलाद पटेल रहे, इन्होंने उस सीट को एक लोधी एग्जिस्टेंस वाली सीट बना दी है जी। इसी रणनीति को तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो कांग्रेस से 2018 के बाद आपको याद होगा 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो जो सरकार गिरने के बाद जिन एमएलए में से वो कभी कहते थे कि मैं कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, सरकार गिरने के बाद उनमें से एक कोई गए थे वो कहीं ना कहीं ये राहुल लोधी गए थे। तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जब जब सरकार गिर चुकी, सरकार बन गई उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था और टेलीविजन पर कई दूसरे चैनल पर नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने इतने वादे दावे किए थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कोई इतने के बावजूद ही पार्टी छोड़ सकता है। लेकिन अब देखिए दोनों दोस्त एक साथ 2018 में चुनाव जीते सनबर और ये, ऐसे में आमने सामने दोनों कांग्रेस ने स्ट्रेटजिकली एक स्टेप लिया, यानी कि उसी में एक डेंट लगाने का बड़ा प्रयास लोधी कम्युनिटी के वोट्स पर, तो उन्होंने इस कम्युनिटी के व्यक्ति को दिया। लेकिन एक बात तय है, दो बड़े राजनेता कुसमारिया या फिर जयंत मलैया, इन दो के पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन, दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी में है हाँ, या उनकी पब्लिक में पकड़ को पार्टी भुला नहीं सकती। मैंने हाँ, आपसे फिर कहा वह चेहरा कोई भी हो, एक तो लोधी कम्युनिटी का वोट बटना निश्चित है हाँ, लेकिन बावजूद भी रेस्ट ऑफ कम्युनिटीज जो है या जो आइडियोलॉजिकल वोट भारतीय जनता पार्टी का है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के चेहरे उनकी गारंटीज पर मिलेगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सीट के बारे में कह रहा हूं, देखिए उस सीट पर मैंने कहा कि इन जातियों का बड़ा प्रभाव जी जी जी, बावजूद भी आप देखते हैं कि वहां पर पिछले उपचुनाव में जो 2020 में हुए उसमें एक पंजाबी चुनाव जीत गया जहां ब्राह्मण छत्री या फिर यूं कहें लोधी कुर्मी हाँ, इन जातियों का दबदबा है, बावजूद भी वहां एक पंजाबी जिसकी कम्युनिटी के बहुत कम वोट है। तो ऐसा नहीं, वहां के जो इलेक्टर्स का जो बिहेवियर है वो कई बार इस प्रकार का भी प्रदर्शन कर देता है। लेकिन एक चीज क्या है कि बुंदेलखंड की फिजा में दमो अगर माना जाए तो सबसे स्ट्रांग सीट अगर जी जी बीडी शर्मा के बाद आती है तो दमो आती है, जहां से के राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी को सीट निभाने नजर आ रहे हैं चाहे गोपाल भार्गव हो। वक्त की कमी है सर, एक सीट और महत्वपूर्ण रह जाएगी, मैं आपको रोक रहा हूं, खजुराहो की आप फटाफट बात कर लेंगे। अभी आपने डॉक्टर शर्मा को सुना, उन्होंने क्या कहा था, खजुराहो के बाद जो सबसे स्ट्रांग सीट उन्हें नजर आती है वो दमोह है। क्यों खजुराहो की ये बात हो रही है, सीट कई मायनों से चर्चा में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मैदान में, जब मैदान में आए तभी कह दिया कि नहीं पिछले बार से ज्यादा रिकॉर्ड हमें बनाना है। ये कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है विपक्ष का, उसके तहत समाजवादी पार्टी को दी गई, सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, नहीं पहले तो एक कैंडिडेट उतारा गया सपा की तरफ से, बाद में उस कैंडिडेट को बदला गया, बदले जाने के बाद जो मैदान में आई उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, इसके बाद कांग्रेस और सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को समर्थन दिया। राजा भैया जो प्रजापति हैं वो पूर्व आईएएस हैं, बीजेपी को ज्यादा कठिनाई यहां नजर नहीं आती है। बीते चुनाव की हिस्ट्री यहां पर ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको दिखा देते हैं खजुराहो की क्या स्थितियां रही हैं। खजुराहो 2009 बीजेपी की जीत, जितेंद्र सिंह मुंदेला सामने राजा पटेरिया, जीत का मार्जिन 28,000, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2009 जीत का मार्जिन 28,000, 2014 जीत का मार्जिन 2,00,000 से ज्यादा, 2,47,000 से वोट परसेंट 54-26। अब 2019 का आंकड़ा देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बीडी शर्मा कविता सिंह, जीत का मार्जिन 4.292 लाख 2019, 64% वोट 25% वोट दोनों पार्टियों के लिहाज से कर लिया जाए। अब चूंकि वक्त की बहुत कमी है और मैं सिर्फ सरमन सर आपके पास आना चाह रहा हूं, 30 से 40 सेकंड में आप खजुराहो को लेकर, यह बात कही जा रही है कि हम रिकॉर्ड सेट करेंगे इस बार, प्लीज।
देखिए बिल्कुल सही है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो है ना अभी से नहीं लंबे समय से बीजेपी का परंपरागत क्षेत्र रहा है, उर्माजी का वहां दखल रहा हाँ। है और टीकमगढ़ से लगा हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है और माननीय बीडी शर्मा जी इतिहास रचेंगे और इस बात का संकेत विधानसभा चुनाव में जीत मिली है बीजेपी को तो माननीय मोदी जी ने भी कहा है और वो लगातार काम कर रहे हैं और एक और व्यक्ति उनके साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से, वो है संजय पाठक, वो कटनी से विधायक है और कटनी विधानसभा वो वहां से लगा हुआ है। ठीक, कटनी का जिक्र करके आपने बहुत दिलचस्प बातों की याद दिला दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छी अच्छी बातों के साथ आपने सीटों का एनालिसिस किया और इसी तरह से हम सीटों का एनालिसिस भी आपको बताते हैं, डिकोड भी करते हैं। तो ये आपने पूरी व्यवस्था तीन सीटों को लेकर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया, क्या स्थितियां वो आपको बताई, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आप।